नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने बेरोजगारी की समस्या पर बहुत ही दमदार निबंध लेकर के आ चुका हूं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। और ये निबंध जो दोस्तों इतना सरल है, मैंने इसको स्वयं से लिखा है, ना तो कहीं से कॉपी किया है ना तो कहीं से कुछ भी नकल किया है, ठीक है। इसको मैंने अपने मन से अपने हिसाब से सोच समझ करके लिखा है, ठीक है। प्लस आपको बोर्ड एग्जाम में कितना लिखना चाहिए इस चीज़ का मैंने विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आपके पास टाइम कम होता है। प्लस आपको उतना लिखना चाहिए जितना लिखने में आपको पर्याप्त अंक मिल जाए, है ना। अगर ये 7 अंक का आता है तो 7 अंक आपको पूरे मिलने चाहिए, बस मैं इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, इस पूरे निबंध को देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है और बहुत ही सरल तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो देखिएगा, कोई भी निबंध लिखना है तो सबसे पहले आपको रूपरेखा हेडिंग बनानी पड़ती है, ठीक है। और रूपरेखा हेडिंग के अंदर आपकी पहली हेडिंग हमेशा प्रस्तावना रहेगी। कोई भी निबंध लिखना है, हमेशा पहली हेडिंग प्रस्तावना रहेगी। दूसरी हेडिंग आपको जिस टॉपिक पर लिख रहे हैं उसका अर्थ आपको समझाना है, ठीक है, बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तीसरी हेडिंग है कि बेरोजगारी का कारण क्या है, भाई आखिर ये समस्या हो रही है तो क्यों हो रही है। अगर प्रदूषण के ऊपर लिख रहे हैं तो प्रदूषण का अर्थ लिखें और प्रदूषण का कारण लिखें, या फिर कह लो प्रदूषण की समस्या हेडिंग डाल लें, ठीक है ना। यानी आखिर ये बेरोजगारी क्यों हो रही है इसका कारण आपको बताना है। चौथा नंबर है दोस्तों बेरोजगारी को रोकने के उपाय। अब समस्या हो रही है तो इसको रोका कैसे जा सकता है, ये चीज़ आपको इस हेडिंग में लिखना है। और उपसंहार में आपको अपने सुझाव देना है। अपने सुझाव मतलब कि बेरोजगारी को दूर करने में आपकी क्या राय है, किस तरीके से आने वाले समय में बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, इस पर आपको अपनी राय देना होता है लास्ट हेडिंग में, ठीक है। चलिए तो प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है, ठीक है। देश की एक प्रमुख समस्या है, यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, ओके। इससे एक ओर गरीबी भुखमरी तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। आक्रोश तथा अनुशासनहीनता का मतलब ये है कि नौजवान युवक पढ़े लिखे हैं, है ना, अच्छी डिग्रियां धारण किए हुए हैं, और जब उनको कोई रोजगार नहीं मिलेगा तो उनके अंदर आक्रोश मतलब गुस्सा तो आएगा ही, गुस्सा व्याप्त हो जाता है, प्लस वो लोग अनुशासनहीनता भी करने लगते हैं, है ना। यानी अनुशासनहीनता को जो जन्म देता है ये बेरोजगारी ही जन्म देता है। इससे एक और तो गरीबी और भुखमरी तो बढ़ती ही है, साथ ही युवकों में गुस्सा और अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है, ठीक है। चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है, क्योंकि दोस्तों कैंडिडेट पढ़ लिख लिए, उनको कोई रोजगार नहीं मिलेगा, जब पैसे की कमी होगी तो वो बुरे कदम उठाएंगे, कोई ना कोई तरीका से तो पैसा कमाएंगे ही, कोई चोरी करेगा, कोई डकैती करेगा, कोई हिंसा करेगा, कोई आत्महत्या ही कर लेगा, है ना। जिसके बस की बात चोरी डकैती नहीं होगी वो आत्महत्या कर लेगा बेरोजगारी की वजह से। तो ये सब जो है, इन सब का मूल कारण क्या है, मूल कारण मतलब मेन कारण, मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी। अब आपको अगली हेडिंग डालना है बेरोजगारी का अर्थ। इसमें लिखेंगे जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम न मिले तो ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो काम करने के योग्य है और काम करने के इच्छुक भी है, वो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, बेरोजगारी कहलाती है। अब ऐसी स्थिति नहीं कि मजदूरी चल रही है 300 रुपये प्रतिदिन और वो 400 मांग रहा है और कह दे मैं बेरोजगार हूँ, तो वो गलत बात है। प्रचलित मजदूरी की बात हो रही है, ठीक है। व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे रोजगार न मिले तो ये बेरोजगारी कहलाती है, ठीक है। बालक हो, वृद्ध माने बूढ़ा व्यक्ति हो, और अक्षम माने ऐसे व्यक्ति जो काम करने के लिए सक्षम ना हो, ठीक है, एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। क्योंकि बच्चों को देखिए, बच्चे हैं तो उनका काम है पढ़ाई लिखाई करना, उनको तो अभी रोजगार की कोई चिंता नहीं है, है ना। तो बच्चों, बालक हो गए और वृद्ध हो गए, अक्षम एवं दिव्यांग व्यक्ति हो गए, इनको बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो काम करने के योग्य नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालना है बेरोजगारी का कारण, कि बेरोजगारी आखिर बढ़ती किस वजह से है, ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। क्या क्या कारण हैं इस हेडिंग में भी, सभी हेडिंग में आपको कम से कम 8-10 लाइन तो लिखना ही है। इसमें लिखेंगे जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, यानी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई जहाँ एक काम के लिए कंपटीशन बढ़ता जाएगा तो बेरोजगारी तो बढ़नी ही है ना। शिक्षा का अभाव,
और उसके बाद वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग। इसका मतलब ये है कि साइंस ने जो नए नए मशीनें खोजे हैं, नए नए यंत्र बनाए हैं, उनका ज़्यादा उपयोग होने से बेरोजगारी होती है। क्योंकि दोस्तों जेसीबी को आप जेसीबी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर कोई गड्ढा खोदना है और उसमें मजदूर लगाए जाएंगे तो मजदूर कम से कम 1 महीने उस गड्ढे को खोदेंगे, वहीं पे जेसीबी आएगी 1 घंटे में करके चली जाएगी, है ना। तो क्या हुआ, जेसीबी के आने से क्या हुआ कि मजदूरों की मजदूरी खत्म हो गई। तो कहने का मतलब ऐसे ही है कि गेहूं काटने की मशीन, धान काटने की मशीन, ऐसे ही अनेक फसलों को काटने की मशीनें आ गई। यानी वैज्ञानिक उपकरण नए नए जितने भी आ रहे हैं, इससे हो क्या रहा है, इनका अधिक मात्रा में उपयोग हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति का काम कम पैसे में और अच्छी तरीके से हो रहा है और टाइम भी कम लग रहा है। इसलिए व्यक्ति मजदूरों की अपेक्षा वैज्ञानिक उपकरणों का ज़्यादा उपयोग करते हैं और इसी वजह से क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है, अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण होने से भी बेरोजगारी बढ़ रही है। भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, यानी दूसरे देश से व्यक्ति भी हमारे देश में आ करके बस रहे हैं, इससे भी बेरोजगारी बढ़ रही है। और मानसून की अनियमितता भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल निभाती है। ठीक है, और श्रम की मांग यानी मेहनत की मांग, काम की मांग एवं पूर्ति से असंतुलन एवं सरकारी नौकरियों में कमी इत्यादि, ये सब बेरोजगारी के कारण हैं। क्योंकि भाई सरकारी नौकरी का तो क्या ही कहा जाए, आजकल कैंडिडेट लोग कितना परेशान रहते हैं सरकारी नौकरी को लेकर के, फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती है, तो ये सब बेरोजगारी को ही तो बढ़ावा मिल रहा है। अब आपको अगली हेडिंग डालना है, बेरोजगारी को रोकने के उपाय। ठीक है, बेरोजगारी को कैसे रोका जा सकता है, इसमें आपको ये चीज़ बतानी है। देखिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीके अपनाना चाहिए। क्या तरीका अपनाना चाहिए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या कम होगी तो रोजगार मिलना संभव हो पाएगा। और परिवार नियोजन को विस्तारित करना चाहिए, शिक्षा को विकसित करना चाहिए, कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए, यानी छोटे छोटे उद्योग धंधे प्रति घर में विकसित करने की कोशिश करना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो क्वालिटी विकसित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कमाने खाने का तरीका खुद सीख ले, है ना। और देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकीकरण शुरू किया जाना चाहिए। और उसके बाद कृषि के विकास के साथ साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को भी विकसित करना चाहिए, इससे भी कुछ रोजगार बढ़ने की संभावना है। सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण, मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखना चाहिए। जबकि मनरेगा का हाल तो आप जानते ही हैं, आजकल क्या होता है, मजदूर काम करने भी नहीं जाते हैं और उनकी हाजिरी लगाई जाती है और पैसा आता है, प्रधान जी ले लेते हैं, है ना। तो मनरेगा भी जो चलाया गया उससे भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। लास्ट हेडिंग आपको डालना है उपसंहार। ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, देखिए इसे मैंने प्रिंट किया है, ये पीडीएफ फॉर्म में मेरा बना हुआ रखा था। उपसंहार हेडिंग में क्या डालेंगे आप लोग, कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। क्योंकि भाई देखिए, एक आदमी के बस की बात नहीं है, अगर बेरोजगारी दूर करना है तो सबको इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए, कम दरों पर काम करने आपको नहीं जाना है, है ना। एक निश्चित रेट बनाना चाहिए और जब तक उतना दर आपको ना मिले तो नहीं जाना चाहिए। और हमें स्वयं का छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देने की कोशिश करना चाहिए, यानी कि नौकर नहीं मालिक बनने की कोशिश करना चाहिए, तथा बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। इन सब तरीकों से हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सुझाव हो गए जो आपको देना है, और यहाँ से हमने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से फिनिश किया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर जाना है, मेरे चैनल का नाम लिख देना है, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी।